आपको विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिनभर की खास खबर। नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अनाज तिलहन संघ ने किया स्वागत व सम्मान। हुआ पौधारोपण कार्यक्रम, भाजपा की वर्ष ने युवा नेता है मौजूद। हर्ष विहार कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा तरह तरह के सपने दिखाकर बेचे गए गरीबों को प्लॉट। रहवासियों ने बताया 10 वर्षों से है परेशान। और नटीरन के ग्रामीण आय जिला मुख्यालय ग्राम के ही सचिव पर लगाया अनियमितताओं के आरोप। ग्रामीणों को नहीं दिलाता योजनाओं का लाभ। अब खबर विस्तार से। कृषि उपज मंडी में अनाज तिलहन संघ के व्यापारियों द्वारा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं परिसर में पौधे भी रोपित हुए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित कृषि उपज मंडी के अधिकारी व अनाज तिलहन संघ के व्यापारी उपस्थित रहे। सुरक्षा संबंधी चर्चाएं भी हुई। आप साहब ये क्यों कर रहे हैं साहब, अन्याय सचिव साहब। बेड़े से हाथ मत लगा, छोड़ो फोटो सबके ही जाएंगे, नहीं सबका जाएंगे वो, क्या चेहरे से ठीक है भाई। अरे आ जाओ ना राहुल, आ जाओ आ जाओ। आज मंडी प्रांगण में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। अध्यक्ष भाई तिलहन संघ के अध्यक्ष भाई राधे श्याम जी ने और समस्त व्यापारियों ने मिलके ये कार्यक्रम रखा था। पिछले साल भी इन्होंने 40 पौधे लगाए थे, इस साल भी 18 पौधे लगाए हैं पर्यावरण की दृष्टि से। और अभी ये पखवाड़ा भी चल रहा है, माननीय मोदी जी के जन्म दिवस का पखवाड़ा चल रहा है, उसमें भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री रोज़ एक पेड़ लगा के ये प्रेरणा दे रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों को कि भई ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग कम हो। और पर्यावरण की दृष्टि से हम सबको स्वास्थ्य की दृष्टि से पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ सभी को जो पेड़ लगाएं उनका संरक्षण भी करें। यहाँ इन्होंने व्यापारियों ने उसका संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ लगा के हम भूल जाते हैं, ये फिर बेकार होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण की भी जिम्मेदारी लें, भले एक पेड़ लगाएं। जय हिंद जय भारत। नवीन मंडी परिसर में हमारे व्यापारी साथियों के साथ हमने यहाँ वृक्ष लगाए हैं। व्यापारी परिवार के जो परिजन जो हमारे बीच में नहीं है उनकी स्मृति में, और हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है वृक्ष लगाना। वैसे भी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है। और संपूर्ण मध्य प्रदेशवासी, हमारे सामाजिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, हमारे अधिकारीगण हो, सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनकर वृक्ष लगा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं हमारे व्यापारी साथियों के जो अध्यक्ष हैं भाई राधे श्याम जी को और समस्त व्यापारी साथियों को जिन्होंने बहुत अच्छी पहल यहां पर की है। नवीन ये परिसर है और यहाँ जो वृक्ष लगाए हैं ये बढ़ेंगे और इसकी हरियाली का लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा और पर्यावरण भी ठीक होगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा था जिसमें माननीय नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी और सभी व्यापारीगण उपस्थित हुए। लगभग 18 पेड़ हमने मिट्टी गाट के लगाए हैं, इनका पूरा पोषण करने का भी भार उठाया है। और पिछली साल 40 पेड़ हमने लगाए थे, हर साल
इस तरह से वृक्षारोपण किया जाएगा। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में अब ओपीडी की समय सीमा में परिवर्तन कर दिया गया है। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 से 6 बजे तक समय निर्धारित हुआ है। समय संशोधन की जानकारी सिविल सर्जन प्रभारी अनु वर्मा द्वारा दी गई। ओपीडी का समय शासन के निर्देशानुसार सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का और शाम को 5 से 6 बजे तक का ओपीडी का टाइमिंग चेंज किया गया है। कब से किया है ये? अभी सैटरडे को आदेश आ चुका था तो तब से चालू हो गया था। भाई अम्मा कितने बज रहे होंगे? 5 बजे। आप क्या के लिए यहाँ पर? इलाज कराने। तो जो शाम के टाइम अस्पताल खुला है, इससे फायदा होगा आपको नहीं होगा? पहली बार आए हम तो। ये अभी कितने टाइम होगा हुआ? जी सर 5 बज रहे होंगे। अभी जो अस्पताल का जो समय चेंज किया गया है, इससे क्या फायदा होगा? जिससे सर बहुत फायदा है, 5 बजे भी आए, दवाइयाँ मिली, इलाज हुआ। तो मजदूर अगर आए? जी सर बहुत फायदा है, सबको फायदा है। जी सर। बंटी नगर हाईवे किनारे हर्ष विहार कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा गरीब लोगों को लुभावने व तरह तरह के सपने दिखाकर प्लॉट बेचे गए थे, परंतु 10 वर्षों के बाद भी कॉलोनी में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। वहीं रहवासियों ने बताया कि 80 फीट का एक बड़ा गड्ढा भी है जहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। सभी ने अपनी परेशानियाँ बतलाई और कॉलोनाइजर पर कार्यवाही की मांग प्रशासन से की है। द्रौपदी भाई पंडित जी, क्या समस्या है आपकी? उधर हमारे यहाँ ना तो कोई हेडपम्प है, ना सड़क है, ना लाइट है, ना कुछ ही। और विद्युत मंडल लाइट डग्गा से जलाते हैं तो वो के चालान बना जाते हैं, ना कुछ है, परेशानी है। नालियाँ भी नहीं बनवाई सड़क। कितने पहले, कीचड़ भी पहले लिया था आपने मकान? हमने 6 साल पहले लिया था मकान। कोई सुविधा नहीं उधर? नहीं था। मंगी है हमारा नाम सर। हम बहुत परेशान हैं, हमको तो अच्छी सड़क चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चों के ऑटो आते हैं वहाँ से स्कूल लेने के लिए, लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारी सड़क की बहुत समस्या आने जाने। हर्ष विहार कॉलोनी से रह रही हैं आप? 4 साल से। क्या उससे उनने आपको फ्लैट दिए थे? किस उम्मीद से फ्लैट लिए थे आपने? सर उन्होंने कहा था हम सीसी रोड डाल के देंगे, नालियाँ बना के देंगे, लाइट भी लगा, पानी की सुविधा करके देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। दीपक किरारा, जो कि मैं हर्ष बिहार कॉलोनी का निवासी हूँ, जो हसनाबाद डावर नेशनल हाईवे के पास लगती है। हमारी मुख्य मांग है सभी कॉलोनी वालों की कि हमारी जो हर्ष विहार मुख्य सड़क जाती है उस पर 1 एकड़ भूमि है, उसमें 80 फीट गहरा एक तालाब है, उसमें आए दिन हादसे होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। और दूसरी बात यह है, कॉलोनी वाले ने बोला था कि हम आपको नल, लाइट, पानी, मंदिर, पार्क, गार्डन, सवारी, सीसी रोड, सब समस्या नहीं होंगी आपको, ये सब सुविधाएं करके हम देंगे। ना नाली बनाई गई, ना कुछ भी है, और ना तो वो ग्राम पंचायत डावर में आती है, ना कि वो नगर पालिका में आती है, तो इसके कारण हम शासन की अन्य योजना का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। और अगर ये काम नहीं हुआ तो हमने आज आवेदन दे दिया
अगले 8 दिन के अंदर जल्द से जल्द काम नहीं होगा तो हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे। और जो हमारी रजिस्ट्री की है ना, उसमें जो भी स्क्वायर फिट से हमसे पैसे लिए गए हैं 350 के रेट के, उसमें 150 के और 200 रुपये स्क्वायर फिट में पैसे चढ़ाए गए हैं। तो हम सभी मजदूर आदमी हैं साहब, सब अपने पेट पूजन करते हैं, मजदूरी पर जाते हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, सब लोग चुप हैं, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लगभग कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? 500 लोगों की बस्ती है, बहुत सारे यहाँ पर मजदूर व्यक्ति ठाड़े हैं, हर व्यक्ति के साथ समस्या होती है। और क्या समस्या हुई थी? एक कारगिरी हुई थी, इसकी वीडियो हमारे पास है, जिसमें एक मैडम थी जो भी गवर्नमेंट अधिकारी थी, लेकिन उनने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कॉलोनी वाले ने, ना शासन गए ना। ग्राम पंचायत घोघरा जनपद पंचायत नटेरन के ग्रामीण आज जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने बताया ग्राम के ही सचिव द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सचिव पर अनियमितताओं के आरोप भी लगाए। ठीक है, वीर सिंह कुशवाहा, ग्राम मानपुर से आया हूँ मैं, पंचायत घोघरा से। मेरे पिताजी श्री रामचरण जी बुंदेल सिंह जी, जो कि उनकी आवास योजना आई थी, वो चोरी हो गई है। कैसे चोरी हो गई? चोरी सर, जे अगले साल आई थी इसी महीने में, मैंने पूछा सचिव से तो भैया ये माताजी के नाम ट्रांसफ़र कर दो, बोला साइट नहीं चल रही। मैं 4-5 बार गया सचिव के पास, सुरेंद्र सचिव बघेल मोहम्मद खेड़ी वाले के पास, तो उसने मना कर दिया कि साइट नहीं चल रही, ट्रांसफ़र नहीं होगी। और मैं अभी एक महीने पहले नटेरन गया ब्लॉक में, जनपद पंचायत में, उधर से मुझे पता चला कि जो कुटी है जो श्री रामचरण बुंदेल जी, वो दूसरे गांव पर बन चुकी है। कैसे चोरी कैसे हो गई? कैसे आरोप? चोरी वही तो सर, वो बोलने लगा एक साल पहले मैं गया। कौन चोर कौन है इसमें? सुरेंद्र सचिव है। हाउसिंग कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम घोघरा, पंचायत सरपंच, पंचायत ग्राम घोघरा। कुशवा जी, आप यहाँ पर काय के लिए आए? यहाँ पर सहायक सचिव के हटाने के संबंध में। क्यों सहायक सचिव क्यों हटा रहे? वो गरीबों की सुनता नहीं है। क्या नहीं सुनता? आईडी जोड़ना, आईडी बढ़ाना, वो कुटीरों की ना सुनना, नाच की। वो है सुरेंद्र सिंह बगे। कब से परेशान कर रहे हैं आप? वो तो 8 साल से परेशानी कर रहा है, फोन लगाते हैं फोन उठाते ही नहीं है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? अरे बात, पूरी पंचायत प्रभावित है। कहाँ रहते हैं? घोघरा मानपुर। कहाँ के लिए आए आप? जहाँ पर आए हम कुटी के तो ये सचिव को, सचिव सुनता नहीं क्या? सचिव भी नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता है, कोई लाभ नहीं आ रही हमें। कितने लोग? ना गैस आए और ना लेटरिंग आई, ना कुटी आई, कई लोग परेशान है, पूरी पंचायत परेशान है। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग? 8 साल से। औद्योगिक शिक्षण संस्थान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राजस्थान में अध्ययनरत इस क्षेत्र की छात्र छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, संस्था के चेयरमैन प्रदीप मित्तल उपस्थित थे। आयोजकों ने दी जानकारी। कितने साल तक मैं इसका चेयरमैन था? मेरे ख्याल से 2000 से 2000। हमने प्रयास किया कि उस वाली बिल्डिंग में ही सब कोर्सेज चालू किए जाएं, और उस समय कोर्सेज नए चालू भी किए, अभी फिलहाल बता दें शुरू साल रहे कितने वो चालू किए उस समय, और सबकी मशीनरी भी वहाँ पर जो आवश्यकता थी कंप्यूटर क्लासेस में तमाम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। माननीय सुरेश मजूरी फिल्टर का काम करते हैं तो हमको नौकरी मिल जाती है रेलवे में और कई जगह होती है। मोटर ड्राइविंग सीखते हैं तो नौकरी मिल जाती है, कोपा सीखते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपन को स्थान मिल जाता है। आज तक सबसे ज़्यादा उस स्वरोजगार का जो हिंदी ग्रेड ट्यूशन का शिक्षण प्राप्त किया है और उसके बाद सरकार ने मेगा भी छात्र योजना जो है
लाकर हमारे गरीब के बच्चे को भी इंजीनियर डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाने का रास्ता प्रशस्त किया है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो चाहे वो विदिशा में पढ़े, भोपाल, बेंगलोर, कलकत्ता, लंदन और अमेरिका में भी अगर पढ़ेंगे तो उसकी सरकार जो है उसका पूरा खर्चा उठाती है। ये सारी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश के नौनिहालों को दी। आप सबके यहाँ से प्रशिक्षण के बाद आप सबको, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में जा सकते हैं, खुद का जो है व्यापार भी शुरू करते हैं, उद्योग भी शुरू कर सकते हैं, खुद की दुकान भी चालू कर सकते हैं। और एक बार अगर मन में ठान लें तो जो बड़े लोगों का इतिहास है वो बहुत नीचे से शुरू होकर ऊपर तक गया है, चाहे वो हमारे धीरू भाई अम्बानी का हो, एक हमारे प्रदीप, उस समय जब आपने इंडस्ट्री शुरू की जब यहाँ पर बेकरी का कोई स्कोप नहीं था, जब इसने शुरू करी तो मैं भी सोचता था कि यार कितनी बेकरियाँ जो है फाइनेंस होकर बनी, लोगों ने इंडस्ट्री एरिया में खोली, सब जगह बंद हो गई क्योंकि उस समय मॉडर्न ब्रेड का जमाना था। अब मॉडर्न ब्रेड बहुत बड़ी इंदौर से चलती थी, भोपाल में भी पापड़ बनी और ज्यादा चल नहीं पाई, इंडियन गोविंदपुरा में प्रारंभ हुई थी, मगर इच्छा शक्ति थी प्रदीप की भी। आज एक सफल उद्योगपति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। मैं आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, आप सब लोगों से ये जरूर कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उम्मीद के साथ और जिस विश्वास के साथ ये प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए हैं, विधायक जी बता रहे थे कि उनने किए, आप सब जानते हैं कि 2003 से किसकी सरकार है, बताओ मामा जोर से बताओ किसकी सरकार है। तो ये बिल्डिंग कौन बनाएगा, यहाँ मशीनें कौन लगाएगा, सब मामा ने बनाया। इसलिए जब से मामा की सरकार बनी है हमारे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनता है। दो बच्चे भोपाल में प्रदेश लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, अच्छे जॉब उनको मिला है, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब ने जैसे कहा, मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ कि अपना भी नौकरी लगना अच्छी बात है लेकिन नौकरी देने वाले बनो। इस समय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जो योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश सरकार की, सब्सिडी को लेके और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी सब्सिडी मिल रही है और बिना गारंटी की जो लोन मिल रहा है, हमको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए सभी बच्चों को। एक दो साल नौकरी जरूर करो, मैं भी नौकरी करता था, 15 साल मैंने नौकरी की है, एक्सपीरियंस लो और अपना काम शुरू करो। देश का उद्धार उसी में, किसी भी देश का जो है डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उतना ज़्यादा हमारा देश तरक्की करेगा। तीन चीज़ें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो मुख्यमंत्री के नाते में सोचो तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष मास्टर्स की डिग्री लेनी है, अब मास्टर्स की डिग्री है। माधव उद्यान में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ माधव उद्यान का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं के हाल जाने और वहीं पौधे भी रोपित किए। अरे भैया कहाँ हो गए यार, मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसी के अंतर्गत तीनों मंडलों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ माधव उद्यान में रखा गया है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 72 वर्ष के वो हो गए हैं, उसी तरह देश की सेवा करते रहें, इसका गौरव बढ़ाते रहें। जय जय। प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर वृक्षारोपण तीनों मंडल के अलग अलग कार्यकर्ताओं ने किया है। वास्तव में देश को दुनिया के सामने एक ताकतवर देश बनाने का काम, नए भारत बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहाँ देश को ताकतवर बनाया है वहीं
देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का काम मोदी जी ने किया है। जीवन में यशस्वी है, लगातार भारत देश का नेतृत्व करते रहे। भगवान से यही शुभकामनाएं, यही भगवान से प्रार्थना है, मोदी जी की शुभकामनाएं। आज की खबरों को देते ही पर ब्रह्म आप देखते रहिएगा विनी संयम की। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।